हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में आपने ये देखा कि किस प्रकार से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से गुजरते हुए हमने टेबल्स फॉर्म की। टेबल्स भी अलग अलग पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड कर रहे थे। कैसे हमने मेंडलीव को पढ़ा, कैसे हमने मॉडर्न टेबल को पढ़ा, मॉडर्न टेबल में कितनी वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशन कैसे वहाँ अरेंज हुई, हम किस तरीके से उनको याद करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन नया है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके का जो रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं किसी न किसी प्रॉपर्टी के कारण, हम उन्हीं को पीरियोडिसिटी कहते हैं। मतलब कुछ समय बाद कुछ बदल रहा है, कुछ समय बाद कुछ एक जैसा नजर आ रहा है, तो इनको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एक्चुअल में है क्या? इट इज अ रेगुलर ग्रेडेशन। ठीक है, इट इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड चेंजेस इन प्रॉपर्टीज आफ्टर certain interval of time is called periodicity। इसी को periodicity कहा जा रहा है। देखो, in short, आप स्कूल में आते हो, ठीक है, स्कूल में आते हो तो आपका टाइम टेबल फिक्स होता है। यानी आप 8 बजे स्कूल आ रहे हो, आपका 8 बजे का स्कूल है, आप 8 बजे स्कूल आ रहे हो, 8:20 पे आपकी प्रेयर हो रही है, फिर वहां से आपका फर्स्ट पीरियड लग रहा है, फिर 45 मिनट के बाद आपका सेकेंड पीरियड लग रहा है, और डेली का डेली आपको पता है फर्स्ट पीरियड आपका मैथ का, इंग्लिश का, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो लग रहा है। उसके बाद कौन सा लगेगा, उसके बाद कौन सा लगेगा, रिसेस किस टाइम होगी, रिसेस के बाद कौन सा पीरियड है, आपको ये पहले से प्री प्लान्ड है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आते ही टीचर कहता है हाय हेलो आज हम फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ेंगे, जबकि होता वो मैथ का पीरियड है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना आपके साथ। भाई जब रेगुलर रूटीन में आपका काम चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं, टीचर आते हैं काम करवाते हैं, और आप भी मेंटली सेट हो कि हाँ भाई पहला पीरियड मैथ का है तो हमें मैथ करना है, सेकेंड पीरियड इंग्लिश का है तो हमें इंग्लिश करनी, यू आर वेल मेंटेन्ड विद, यू आर वेरी वेल स्टेबल विद द माइंड सेट, आपको पहले से ये अंदाजा है। हमारे पीरियडिक टेबल में भी ऐसा ही कुछ है। मतलब हमें ये अंदाजा है कि अगर हमारा ये एलिमेंट इस ग्रुप में, इस पीरियड में है, तो ये इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है तो हम सोचते हैं इसके नेचर में जो चेंजेस हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो इन चेंजेस को ही पढ़ना क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में हम जो चेंजेस देखेंगे वो हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं। देखो, दो प्रकार की प्रॉपर्टी हम यहां पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम इसको किसी के साथ रिलेट करते हुए चल रहे हैं, पीरियड वाइज। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इंडिविजुअल रहेगा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बेटा ये किसी न किसी के साथ रिलेट करता हुआ चलेगा। मतलब तेरा भाई छोटा है, बड़ा है, सारे भाई एक लाइन में बैठे हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, इस तरीके से किसी के साथ रिलेट करना है, चाहे हम पीरियड में रिलेट करें, चाहे हम ग्रुप में करें, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात करें, मेरी हाइट ये है, मेरा वेट ये है, मेरा लुक ऐसा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जब मैं के बारे में बात करूँ, मैं, जब तुम भी सिर्फ मैं अपने लिए बात करोगे, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट खुद के बारे में बात कर रहा है, खुद के लिए रिलेट कर रहा है, तो वो एटॉमिक प्रॉपर्टी है। लेकिन वो अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ रिलेट करना चाहता है, तो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उन सब में हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रहेगी वो रहेगी वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी दोनों ही प्रॉपर्टीज है तो मेरी सेल्फ, लेकिन मैं रिलेट तो भाइयों से भी करूंगी।
प्रॉपर्टी तो मेरी खुद की है, वैलेंसी तो मैं ही बनाऊंगी, मेरे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूं तो प्रॉपर्टी तो मेरी रहेगी ना ये, लेकिन मैं रिलेट तो किसी और के साथ भी करूंगी, भाई उसकी दो है मेरी एक है तो कंपाउंड कैसा बनेगा। तो वैलेंसी के बारे में अब हमें जानना है और हम इसको इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अरे भैया ये डेफिनेशंस तो हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी का पता कैसे चल रहा है? पता चलाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब आप कहोगे ये क्या बला है, हमने तो कभी नहीं सीखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? ये वही चीज है जो आपने नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 4 में सीखी, यानी कि KLMN शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये वही समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से फॉर्मूले से भरी जाती है? 2n2, इसको हम बोहर्स फॉर्मूला कहते हैं, कहते हैं ना बोहर्स फॉर्मूला। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कुछ एक बच्चों को तो याद भी आ गया होगा कि हाँ भाई नाइन्थ क्लास में किया था, पर कुछ एक बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा। आप इसको मैजिक नंबर भी बोल सकते हो, दिस इज मैजिक नंबर, क्योंकि ये हमें इतने बढ़िया मैजिक से इलेक्ट्रॉन्स भरकर देता है अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। ये हमारी शेल्स है, इनको क्या बोलते हैं? शेल्स, इनको बोलते हैं शेल्स। इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसी के जरिए तो होता है। आप अपने मन से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने ये किए हुए हैं नाइन्थ क्लास में? बिल्कुल, मैंने तो मेरे स्टूडेंट्स को करवाए हैं और आई होप सभी टीचर्स ने करवाए हैं, ये सबको ही आते मिलेंगे। 2n2 मैजिक फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं KLMN शेल में। अब जब हमारी जो लास्ट शेल रहती है, जब हम किसी भी एटम का, एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो लास्ट शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही तो हमें पता चलता है कि किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, बाय गेनिंग और बाय लॉसिंग, हाउ मच इलेक्ट्रॉन बाय गेन और हाउ मच बाय लॉस। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हर एक एलिमेंट की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, बट रिलेट ये सभी से करती है। ग्रुप वाइज ये हमेशा सेम रहती है, पीरियड वाइज ये चेंज होती है। ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे, जैसे मैंने आपको ग्रुप्स याद करवाए थे, पहला ग्रुप क्या कहता है, दूसरा ग्रुप क्या होता है, ऊपर से नीचे आते आते ये कभी नहीं बदलती। अगर हमारे पास एलिमेंट लिथियम है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, इन सब की वैलेंसी एक ही रहेगी, यानी ग्रुप वाइज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीरियड वाइज फर्क पड़ता है। अभी लिखवाती हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अगर आपको नहीं भी याद है तो वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से डिसाइड की जाती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगी, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा। तो मेरे पास KLM तीन शेल हैं, इस शेल में 2n2 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 और इसमें 2, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन सीखा हुआ है। अगर मैं मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दूं, मतलब मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रहा है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन,
तो दो जो शब्द है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही मेरे क्या हैं? वैलेंसी। वही मेरी क्या है? वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी मुझे कब मिलेगी? जब किसी के साथ जुड़ने से, चाहे मैं वो कैसे ही जुड़ूं, मुझे स्टेबिलिटी मिले। और स्टेबिलिटी किसी एटम को कब मिलती है? जब वो या तो डबलेट पूरा करे या फिर ऑक्टेट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी अलोंग द पीरियड। पीरियड में वैलेंसी क्या रहती है? आप इसको लेफ्ट टू राइट मान के चलिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये मैंने सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया। अब हमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि बताइए वैलेंसी का स्टेटस क्या रहेगा अगर मैं किसी पीरियड में ट्रेवल करने जाऊं। तो मेरे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2-1। बेरिलियम का 4, 2-2। इसका 5, 2-3, 2-4। ये डिस्ट्रीब्यूशंस लिख रही हूं मैं, 2-6, 2-7 और 2-8। इनमें से किसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया? भैया इसने भी नहीं कर रखा, सिर्फ इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है, मतलब ये इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की। तो बेटा नोबल गैसेस की जो वैलेंसी होती है वो हमेशा जीरो होती है। क्यों होती है? क्वेश्चन आता है व्हाई द नोबल गैसेस हैव जीरो वैलेंसी, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो होती है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दे नाइदर वांट टू लॉस और नाइदर वांट टू गेन एनी इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दैट्स व्हाई, बिकॉज दे आर स्टेबल, हेंस वैलेंसी इज जीरो। अब जब हम यहां से चलना शुरू करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का और ये 4 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि पहले 1-4 मेरी वैलेंसी जो है वो क्या हुई? इंक्रीज। फिर 5 आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। ये दोनों काम कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। गेन करेगा, गेन करेगा, गेन, और इसकी कोई वैलेंसी नहीं। तो बाई गेनिंग ऑल्सो, बाई गेनिंग इट डिक्रीजेस। तो पीरियड वाइज पहले तो वैलेंसी इंक्रीज होगी, फिर वैलेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी एलिमेंट की, वैसे वैसे यहां पर गेनिंग और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन चलेगा। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो डबलेट पूरा हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया डबलेट पूरा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया डबलेट पूरा, 2-4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया डबलेट पूरा, 2-4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2-8 बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2-8 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2-8 बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2-8 बन जाएगा। हमारा मकसद होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो वैलेंसी अलोंग द पीरियड क्या होगी? पहले इंक्रीज होगी अप टू 4, देन डिक्रीज होगी अप टू 1, और नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या रहेगी? जीरो। बात समझ में आ रही है? अलोंग पीरियड व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वैलेंसी फर्स्ट स्टार्ट इंक्रीज एंड देन गोज टू डिक्रीज। इट इज वेरिएबल, ये चेंज होती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ट्रेंड्स में पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप के ट्रेंड और बता दूं। चलो वेरिएशन अलोंग द या विद इन द ग्रुप देखते हैं वैलेंसी का कैसे चलेगा। वेरिएशन विद इन द ग्रुप, ग्रुप में वैलेंसी कैसी रहेगी? ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, बाकी नीचे तक का मुझे आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है, आप पोटेशियम तक ध्यान दे लीजिए, वही काफी है, नीचे तक का सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए। दूसरी तरफ मैं एक और लिख लेती हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, एसिटाइन। ठीक है, मैंने ये दो ग्रुप लिखे, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप 17th है। आपने मॉडर्न टेबल में इनको पढ़ा है और आपने ये अपने तरीके से याद भी करना सीखा होगा। बेटा इसके पास 2-1 है,
इसके पास 281 है, इसके पास 2881 है, ऐसे ही आगे चलते चलते इनके पास जो है वैलेंसीज है। इसके पास 27 है, इसके पास 277 है, इस तरीके से इनके पास 287 है, इस तरीके से इनके पास कुछ वैलेंसीज होने के चांस है। ये अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करना होता है। जब ये ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट करते हैं, कब करते हैं? जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का मतलब कि इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? इनकी वैलेंसी रहेगी 1 1। और इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? क्योंकि बिकॉज दे वॉन्ट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो इनकी वैलेंसी भी क्या रहेगी? 1। टॉप टू बॉटम वैलेंसी सभी एलिमेंट्स की क्या रहेगी? सेम। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अपने परिवार में वैलेंसी सेम रहेगी, जबकि पड़ोसियों के साथ वैलेंसी में वेरिएशंस आती है। तो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी विद इन द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, दोनों ही अलोंग द पीरियड और विद इन द ग्रुप आपको दोनों ही देखनी है, क्योंकि आपसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए सोडियम की वैलेंसी कितनी है और ग्रुप में इसकी वैलेंसी क्या चलती है। तो आप कहेंगे वैलेंसी नेवर चेंज इन ग्रुप, ग्रुप में वैलेंसी चेंज ही नहीं होती, जो हमारे पहले मेंबर की है वो लास्ट तक चलेगी। पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी और नोबल गैसेस की जीरो होगी, क्योंकि नोबल गैसेस को रिक्वायरमेंट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आ गई होंगी। नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, बस इनको समझ लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल्स, ठीक है? कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट डाउन कर लीजिए।